देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बहू आओ बैठो। बैठो नहीं बहू बैठो, कोई डर नहीं है। ये देखो ना, हम लोग सब यहाँ है ना। सुनो बहू, ये पक्का महल है, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बड़ी माँ, मुझे तो उनके लिए बहुत चिंता हो रही है, वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं सरजू, मैं कह रही हूँ देवर जी को कोई नुकसान नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। माया माया, मैं और चंदर बेले घाट के गोदाम में जा रहे हैं। इस तूफान के बीच आप लोग निकल रहे हैं? निकलना तो पड़ेगा माया, वहाँ गोदाम में माल आने वाला है, रामतनु अकेला संभाल नहीं पाएगा। पहले अभय की खबर निकलवाइए, वो तो रात को ही निकल गया था। वो चिंता मुझे नहीं है क्या माया, मैं इसी बीच खबर ले चुका हूँ। वहाँ के कोषाध्यक्ष को बताया है कि अभय दूसरे महल में पहुँच गया है, वो पक्का महल है, वहाँ कोई समस्या नहीं, चावल दाल अनाज सब मौजूद है वहाँ। तुम चिंता मत करना, सरजू बहू से कहो कि वो भी निश्चिंत रहे। सुना तुमने, मैंने कहा था ना भगवान पर भरोसा रखो। सुनिए, मैं कह रही थी कि इस आपदा के बीच आप लोगों को नहीं जाने से नहीं चलेगा क्या? और मछली देवर जी को जल्दी घर वापस आने के लिए कह दीजिए। माँ, पिताजी ने कहा ना कि गोदाम में माल डूब जाएगा, और अगर हम लोग तूफान रुकने के बाद जाएंगे तो क्या फायदा? पिताजी आप जल्दी चलिए, तूफान बढ़ेगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, और मछली चाचा को भी तो वापस लाना है। माया माया, तुम लोग संभल के रहना, डरना मत माया, डरने की कोई बात नहीं। देखो इस पूरे इलाके में ये सबसे ऊंचा महल है, इसीलिए गंगा से उठा हुआ ये तूफान मैदान पार करके इस महल तक पहुंच रहा है, इसीलिए वो ज्यादा भयानक लग रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं। इसके अलावा हम लोग भी बेलेघाट जाने वाले हैं, वो पूरब की तरफ है, वहाँ तूफान की तीव्रता कम होगी। तुम चिंता मत करो, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। संभल के जाना बेटा, संभल के जाना। तुम भी अपना ध्यान रखना। जनार्दन जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए जनार्दन जी। माझे लोग सुबह बता के गए थे कि सागर में बड़ा तूफान आया है, पानी चला गया है। ये क्या कह रही हो, ये तो मामूली तूफान बिल्कुल नहीं है, सागर से उठा हुआ तूफान है, ये तो सत्यानाश करेगा सब कुछ। बहुत दिनों से ऐसा तूफान नहीं आया था, इस गलत समय में ऐसा भयंकर तूफान। जनार्दन जी, क्या पाप हुआ है भगवान, क्या पाप किया है? चलाओ हाथ चलाओ, जल्दी करो, तूफान आ रहा है, जल्द से जल्द सब माल गोदाम में डाल दो, हाथ चलाओ, अब क्या होगा क्या पता, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो। ये तूफान और भी तेज होता जा रहा है, हालत बिगड़ते जा रही है रामतनु। तुम एक काम करो, हालत बिगड़ने से पहले मजदूरों को कहो अपने घर लौट जाए। चाचा जी, आप सबको घर लौटने के लिए कहिए। चारों तरफ जिस तरह से पेड़ गिर रहे हैं उससे शायद पूरे शहर में आने जाने की व्यवस्था बंद हो जाएगी। ऐसा ही लग रहा है, हम लोगों को अब देरी नहीं करनी चाहिए। पिताजी, मैं कलेक्टर महाशय से मिलने जा रहा हूँ, उनको समझाना पड़ेगा, ये आपदा जब तक जाएगी नहीं माल भिजवाना संभव नहीं होगा। जल्दी करो। कैसे तूफान कैसे आ गया, पता नहीं कितने लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, ये आपको समझ नहीं आ रहा है? बाहर कितना आंधी तूफान है, मेरा तो दिल कांपने लगा है छोटी बहू।
मैंने शंख बजाया है, देखना धीरे धीरे आंधी तूफान की गति कम हो जाएगी। छोटी बहू, मैं एक बात बोल रही हूँ, तुम सबकी मंगल हेतु जनार्दन जी के आगे प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, उसके बाद देखना सारी आपदाएं धीरे धीरे टल जाएंगी। बहू, भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। मैं चाची माँ और माँ को बुला कर ले आती हूँ, उनको यहाँ आने के लिए कहती हूँ। बड़ी बहू सुनो, बड़ी बहू कहाँ रह गई, एक बार इधर आ जाओ। बड़ी बहू सुनो, बहू बाहर तो बहुत तूफान आ रहा है, हम सब मिलकर यहाँ भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, देखना तुम मुझसे आपदा टल जाएगी। तुम जल्दी से दादी को और नानी को बुलाओ, बोलना अभी छोटी बहू यहाँ भगवान का नाम कीर्तन करेगी, जल्दी लेकर आओ उन्हें। हाँ लेकिन माँ, नानी जी तो ये सब पसंद नहीं करती है। छोटी बहू तुम आखिर डर क्यों रही हो? बड़ी बहू सुनो, तुम खड़ी क्यों हो, देरी मत करो, जाओ जाओ दादी को नानी को जल्दी बुला कर ले आओ, जाओ बहू जाओ, जल्दी जाओ। जाती हूँ माँ, अभी जाती हूँ। इस आंधी तूफान में मेरे गांव की हालत क्या हुई होगी, क्या इतनी देर में तो हमारे गांव के घर की छत तोड़ गई होगी। छोटी बहू चिंता मत करना, बहू चिंता मत करो, चंदर और तुम्हारे ससुर जी को घर लौटने दो, बस उन लोगों के घर आ जाने से उनसे कहूंगी कि तुम्हारे पिताजी बुआ और भैया लोगों को सबको यहाँ लेकर आ जाएं। नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ मेरे पिताजी और भैया लोग ही नहीं, सारे गाँव के लोग मुसीबत में है, शरण देनी है तो सबको देनी पड़ेगी, लेकिन ये तो संभव नहीं है, उससे अच्छा है जो उनकी रक्षा कर पाएंगे हम उनसे ही विनती करते हैं। छोटी बहू इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, इतनी आपदा के बीच भी तुम सबके बारे में सोच रही हो, तुम्हारे इस उदार मन के बारे में हमें समझ में नहीं आता। छोटी बहू नहीं, नाम कीर्तन शुरू कर दो, सारी आपदा टल जाएगी। देखना ये देखो माँ, चाची माँ सब आ गई, चाची माँ बैठी, अब कीर्तन होगा। छोटी बहू कीर्तन करेगी क्या? ओ बाहर कितनी विपदा आई है, प्रीतराम चंदर राम तनु कोई भी अब तक लौटा नहीं है। ओ छोटी बैठ यहाँ, आ जा। मैं कह रही हूँ नाम कीर्तन होना तो अच्छी बात है, पंडित जी को खबर भिजवाती हूँ, कीर्तन की टोली लेकर आएंगे, यहाँ भजन करेंगे, तेरी अनुशासनहीन बहू करेगी। माँ इस आपदा में भला कौन आने वाला है बताइए, नाम कीर्तन करना जरूरी है, इससे विपदा दूर हो जाएगी, छोटी बहू को ही नाम कीर्तन करने दीजिए। छोटी बहू तुम खड़ी क्यों हो, नाम कीर्तन शुरू कर दो, भगवान का कीर्तन शुरू करो, मैं कह रही हूँ ना, गाना शुरू करो, गाओ। आइए सब बैठिए माँ, बैठिए। हाँ, बैठ। बातें कर रही हैं नानी माँ? माँ काली और रघुवीर अलग नहीं हैं, जैसे वो लोग तांडव करते हैं वैसे ही रक्षा भी करते हैं। देखती हूँ मैं, देखती हूँ कैसे रक्षा करती है तुम्हारी शमशान की देवी, इस तांडव नृत्य से कितने लोगों की जान जाएगी कुछ नहीं बता सकते, हाथ जोड़ के कह रही हूँ चुकी, बंद कर बंद कर, तेरी छोटी बहू का पागलपन बंद करवा, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। निकलो निकलो निकलो, सब कमरे से निकलो, तेरी छोटी बहू को पूजा घर से निकाल और अंदर मत आने देना, मैं कह रही हूँ तंत्र मंत्र किया है इस पर, जरूर किसी ने काला जादू किया है, कहती हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा छोटी, चल तो कमरे में चल, चल 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 कमरे में चल।
आजा मेरे साथ। ये तो महाप्रलय है, जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। भैया संभाल के, अब नदी में नाव भी नहीं बहा सकते, लहरें तेज हैं, लहरें उल्टी बह रही हैं। नहीं होगा, नहर से गंगा का पानी लगातार अंदर आ रहा है, नहर पूरा भर गया है, अब पानी बाहर आ जाएगा। संभाल के भैया, क्या होगा, बहुत अनाज है। मछले चाचा जी, आपको सिर्फ गोदाम की पड़ी है। जो लोग बाहर है उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने? एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ इच्छामती, विद्याधरी, उस पर इन नदियों से जुड़े हुए इतने सारे नहर, आदि गंगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सही बात है, थोड़ी देर पहले ही मैं इस तरफ आके गया था छोटे मालिक, तब कहीं कुछ भी तो नहीं दिखाई दिया था। शायद अंधेरे से थका हुआ था, इसलिए शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। लेकिन माझी, इस तूफान में भी तुम्हारे नाव की रस्सी नहीं टूटी। मालिक, ये नाव आर पार करने के काम आती है, ये तो सागर में चलती है। इतनी आसानी से इसकी रस्सी टूटती है क्या? चलिए मालिक, चलिए। बड़ी दीदी, ओ बड़ी दीदी, बहुत बड़ी समस्या हो गई दीदी। फिर से क्या हो गया? जो लोग शरण में आए हैं ना, उन्होंने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, अब वो लोग खाना मांग रहे हैं। लेकिन क्या दूँ, अभी तक तो खाना भी नहीं बना है। ये सब बातें तूने छोटी बहू को नहीं बताया ना? नहीं, दीदी को नहीं बताया। मुझे तो पता है, ये बात सुनते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चली जाएगी खाने का बंदोबस्त करने के लिए। और यही बात अगर नानी माँ को पता चले तो इस घर में कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ऐसी मुसीबत की घड़ी में क्या करूं बता तो? ऐसे ही घर के लोग क्या खाएंगे, ये भी तय नहीं हुआ। और ऊपर से इतने सारे बाहर वाले आ गए, क्या खिलाऊं उन्हें? ये मुसीबत ना होती तो अलग बात थी, वैसे ही इस घर में रोज 200-400 लोग खाना खाते हैं। लेकिन ये समय तो अलग है, सारा सामान तो भंडार घर में है, इतना पानी भर चुका है और अंधेरा भी है, मैं जाऊं कैसे? पहले जरा सुबह होने दे, उसके बाद देखती हूँ क्या कर सकते हैं। लेकिन
मैं तो सोच रही थी देवर जी के बारे में। ऐसी मुसीबत में वो कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, किसे पता। सही कहा, वो कब वापस आएंगे। ये हमारी क्या हालत हो गई है चाचा, क्या हालत हो गई है। रो मत गोविंद, इस मुसीबत के समय रो धो के कोई फायदा नहीं है। भगवान का ये कैसा न्याय है बताइए तो नटवर चाचा, हाँ कैसा न्याय है। जो नदी हम लोगों को इतने सालों से जीने के लिए पानी दे रही है, उसी ने आज ऐसा रौद्र रूप धारण करके सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे पिताजी बुआ किसी को नहीं छोड़ा। आज नहीं तो कल हम भी कहीं बह जाएंगे। इस मकान पर हम कब तक बैठे रहेंगे। हमारे बचने की अब कोई आशा नहीं है चाचा, कोई आशा नहीं है। बचाना ही होगा माझी, इतने कष्ट सहकर इतनी आशा लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। हमें गांव वालों को बचाना ही होगा, यहाँ से बचा कर ले जाना होगा। भरोसा रखिए मालिक, भरोसा रखिए। जो जीवन प्रदान करते हैं वही रक्षा भी करते हैं। देखता हूँ कितने लोगों को बचाया जा सकता है। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है माझी, इस घने अंधेरे में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। मालिक, ये जो ऊपर वाला है ना, वो जो आपको दिखाएगा आप जरूर देख पाओगे। माझी भाई, भगवान पर तुम्हारी गहरी आस्था है। अरे ओ चाचा, देखो तो कोई नाव यहाँ आ रही है, ऐसे दिख रहा है। जरा अच्छी तरह से देखो, वो देखो ना, नाव ही है ना। अरे कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अच्छी तरह से देखिए ना, वो नाव ही तो है। रुकिए, ओ माझी भैया, माझी भैया, हम लोग यहाँ है। हम लोग माझी भैया, बचाओ बचाओ कह के पुकार रहा है। क्या सुन रहे हैं आप? अरे अरे कोई ना, तुम बुलाओ उसको। उस तरफ लो ना, उस तरफ लो। लोगों का घर है, सोचा था ये लोग कुछ खाने को देंगे। यहाँ भूख के मारे मरे जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है। भूख की आग कोई आपदा नहीं मानती है। वो कह के गए थे असहाय लोगों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन इतना पानी भर गया कि कुछ कर भी नहीं पाए। इतने सारे मेहमान भूखे रहेंगे। उन्हें वापस आने के बाद पता चला तो? नहीं नहीं, पानी को पार करके मुझे ही भंडार घर में जाना पड़ेगा। देखती हूँ वहाँ क्या मिलता है और फिर रसोई घर में जाके कुछ बना लूंगी मैं।